हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम सड्डा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया था स्क्वीज़र फीडर के बारे में कि होता क्या है, स्क्वीज़र फीडर क्यों यूज़ होता है, कैसे इसको क्लीन करते हैं, कैसे इसको स्टरलाइज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि स्क्वीज़र फीडर के अंदर सेरेलेक कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये सबसे पहली चीज़ है मिल्टन का फ्लास्क। इसके अंदर वाटर जो है वो 8 या 9 घंटे आराम से गर्म रहता है। इसके अंदर मैंने इस बार लीकवॉर्म वाटर नहीं लेना है, जो हम फॉर्मूला बनाने में यूज़ करते हैं वो होता है लीकवॉर्म वाटर। इसके अंदर हमें अच्छे से गर्म वाटर लेना है, क्योंकि हॉट वाटर में ही अच्छे से सेरेलेक प्रिपेयर हो पाता है, फूल जाता है ना सेरेलेक, वो हॉट वाटर में ही वो अच्छे से फूल पाता है। तो इसके अंदर मैंने लिया है बॉइल्ड हॉट वाटर। सेकेंड हमें ज़रूरत पड़ेगी स्क्वीज़र फीडर की, क्योंकि हमें इसी के अंदर प्रिपेयर करना है सेरेलेक। और हमें जो तीसरी चीज़ जो है वो सेरेलेक की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर वीट एप्पल चेरी सेरेलेक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा बेबी 7 एंड हाफ मंथ का है, तो मैं उसके लिए ये वाला सेरेलेक यूज़ कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं सेरेलेक बनाना स्क्वीज़र फीडर के अंदर। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। सेरेलेक को मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में पहले से ही निकाल कर रखा हुआ है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले इसको ओपन करती हूँ। ये इसकी स्पून है और ये सेरेलेक है। आप इसको ओपन करेंगे स्क्वीज़र फीडर को, और देखिए इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ होता है, एनग्रेव्ड मार्क दिए हुए होते हैं, 30 ml, 60 ml, 90 ml। तो हमें इसके अंदर जैसे सेरेलेक पर क्लियरली मेंशन होता है कि 25 ml के अंदर 1 स्पून ऑफ सेरेलेक डालना है, और एक 6 मंथ प्लस बेबी को हमें 3 स्पून सेरेलेक देना है। मीन्स 75 ml वाटर के अंदर 3 स्पून सेरेलेक, जो वो स्पून जो सेरेलेक के साथ आती है, ये वाली, ये भर के 3 स्पून 75 ml के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 30 ml, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90। तो यहाँ पर 70 और यहाँ पर हमारा 75 होगा। तो मैं यहाँ तक वाटर को फिल करती हूँ हॉट वाटर। फॉर्मूला में वाटर एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए था। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से सेरेलेक को पतला या गाढ़ा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं बेबी का, तो उसको थोड़ा सा पतला सेरेलेक देना चाहिए, और जब बेबी सॉलिड लेने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद हम उसको डार्क सेरेलेक देना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं अपने बेबी को पूरी क्वान्टिटी 75 ml के अंदर 3 स्पून डालकर देती हूँ। तो देखते हैं कहाँ तक आ गया है वाटर। ये मैंने 75 ml वाटर इसके अंदर डाल लिया है। आप ये देखिए 75 ml वाटर डाला है। अब इसके अंदर मैं 3 स्पून सेरेलेक डालूँगी। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड है। One, 2 and 3। ये मैंने इसके अंदर सेरेलेक डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे शेक करेंगे, जिससे ये इसके अंदर अच्छे से चला जाए। ये देखिए, ये सारा इसके बीच में चला गया है। अब इसके कैप को क्लोज करके अच्छे से इसको शेक करें। शेक करना है जिससे इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। आप देखिए बिल्कुल पतला है सेरेलेक। अब इसको थोड़ी देर के 5 मिनट्स के लिए रखे रहने देना है, जिससे ये ठंडा भी हो जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा सेरेलेक। मीन्स जो सेरेलेक हमने इसके अंदर डाला है वो अच्छे से फूल जाएगा और बेबी को देने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ज़्यादा गर्म बेबी को सेरेलेक नहीं खिलाना है।
लीव पोम सेरेलेक हमें बेबी को खिलाना है, और तो इसको 5 मिनट्स के लिए रखे रहना देते हैं, फिर देखते हैं हमारा सेरेलेक कैसा बनता है। 5 मिनट्स हो चुके हैं, तो देखते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। देखिए पहले कितना पतला सेरेलेक था और अब ये कितना गाढ़ा हो गया है। अब ये बेबी को फीड करने के लिए रेडी है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, यहाँ से इसको ऐसे ओपन करेंगे और ये देखिए कितना गाढ़ा सेरेलेक बन के आया है। तो ये अब ये बेबी को देने के लिए रेडी है। अगर आपको डाउट है कि सेरेलेक को बाउल एंड स्पून से कैसे फीड कराते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो करूँगी, आप उसको देख सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।